Hey, hi guys. Good morning to everybody. चलिए आप सभी का वेलकम है इस बहुत से बहुत अच्छे और प्यारे क्लास में। आज का हमारा सेशन ये थोड़ा शॉर्ट होगा, ठीक है। और इस सेशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये जो COVID-19 डिसीज है या जो SARS-CoV-2 वायरस है, ये एग्जैक्टली ह्यूमन सेल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, पहली बात तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, तीसरा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये काम, तीन काम जल्दी से कर लो एंड देन वी विल गो अहेड। तो यस, आई गेस आप सब लोगों ने कर दिया है। और हाँ, मुझे बता दीजिए क्या मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूं, एक बार ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी बता दीजिए ताकि हम आगे चल सके। चलिए, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी गाइस। पहला बेनिफिट आपको मिलता है, आपको लाइव क्लास मिलती है। जब आप बच्चों प्लस पे जाते हो ना, गुड मॉर्निंग कपिल, वेरी गुड मॉर्निंग। जब आप प्लस पे जाते हो तो आपको लाइव क्लास मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो ये चार बेनिफिट आपको प्लस पे जाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। जब आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर मिलता है। तो ये पांच बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे टोटल 9 बेनिफिट आप एंजॉय कर सकते हो जब आप आइकॉनिक पे चले जाते हो तो, ठीक है गाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलिए, मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा था अनअकैडमी के। तो ये प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद गाइज, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है जो आपको हेल्प करते हैं टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। आई एम ऑलरेडी वन ऑफ देम गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। This is my Telegram channel. You must subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. You must follow me on Unacademy and you should dedicate your hats to me on Unacademy. And this is must. That is must. ओके, 26th मई से पहले अगर आप गाइस 26th मई से पहले अगर आप SKUS कोड यूज करके अनअकैडमी का प्लस कॉम्बो या फिर आइकॉनिक कॉम्बो ले लेते हो तो आपको क्लोज टू 35% डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शनल का 25% और रेफरल कोड का 10%। ऐसे टोटल 35% डिस्काउंट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, लेकिन लास्ट डेट क्या है, 26th में। इससे पहले आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है। आज का लास्ट डे है 19th मई, दैट इज टुडे। आज अगर आप जीएस का आइकॉनिक लेते हो, आइदर 2 ईयर का या फिर 3 ईयर का, तो आपको डेली इन पर्सन डाउट सॉल्विंग, मंथली एएमए सेशंस, यूपीएससी इंटरव्यू अटेंडेड कोचेस, कम्युनिटी ऑफ हाई पोटेंशियल एस्पिरेंट्स एंड वीकली वन ऑन वन पर्सनल मेंटोरिंग मिल जाएगी। बस आपको इंश्योर करना है कि आप कोड यूज कर रहे हो SKUS, जिसे हम कहते हैं वायरल कोड ऑफ सक्सेस। प्लस पे जाने के बाद आपको 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक अलग अलग सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस आप SKUS कोड वायरल कोड ऑफ सक्सेस यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट में एंजॉय कर सकते हो। और आइकॉनिक पे जाने के बाद आपको 12, 24 और 36 मंथ के अलग अलग सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आपको कोड यूज करना है SKUS, दैट इज वायरल कोड ऑफ सक्सेस। 19th मई से गाइस, मतलब आज से ही हमारी नई बैचेस लॉन्च हो रही है। और ये सारी बैचेस एक तो आपको प्लस पे मिल जाएगी या फिर आइकॉनिक पे मिलेगी। और इन बैचेस को अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट में एंजॉय करना है तो आपको यूज करना है SKUS कोड वायरल कोड ऑफ सक्सेस, ठीक है। चलिए आगे, फ्री टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो मैं खुद एक फ्री टेस्ट सीरीज रन कर रहा हूँ, मॉर्निंग में शार्प 8 AM को और इवनिंग में शार्प 4 PM को। ये दो मॉक टेस्ट सीरीज मैं फ्री में रन कर रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो आपको ये दोनों मॉक टेस्ट कंपलसरी अटेंड करनी है। देन गाइज, अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे को होती है 11 AM को, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और आपको बस एक इनवाइट कोड की जरूरत होती है एंड दैट इनवाइट कोड इज SKUS। और अगर आपकी रैंक 1 to 3 आ जाए तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 आ जाए तो 75% डिस्काउंट, 11 to 50 आ जाए तो 50% डिस्काउंट और 51 to 500 आ जाए तो 25% डिस्काउंट हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं।
तो कल हमने नैनो माइसेल्स के बारे में बात की थी। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप फटाफट उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए एंड देन आई विल गो अहेड। मुझे बताइए पहली पॉइंट कि हम नैनो माइसेल अगर किसी पार्टिकल को हमें कहना है या नैनो पार्टिकल कहना है या नैनो शेल कहना है तो मिनिमम साइज उसकी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द साइज। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना है, देन आपको इस वीडियो को आपको शेयर करना है और हमारे अनअकैडमी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। चलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमें किसी पार्टिकल को नैनो पार्टिकल कहना है या नैनो माइसेल कहना है या नैनो शेल कहना है तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन 100 नैनोमीटर। कितनी होनी चाहिए? लेस देन 100 नैनोमीटर, दैट इज गुड गाइस। या कभी कभी यूपीएससी आपको 10^2 पॉइंट भी पूछ लेती है, तो नैनो पार्टिकल साइज रेंज, तो अगर रेंज की बात करें तो 1 to 100 नैनोमीटर यहां पे इन्होंने दी है। 10^2 हाउ मच पॉइंट, ये एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इस इमेज में 10^-9, 10^-9 फाइन, इससे कम होनी चाहिए साइज, तब हम उसे कहते हैं नैनो पार्टिकल। फाइन, अब मुझे बताइए ये जो नैनो माइसेल है जिसकी हमने कल बात की थी, For what purpose we are using this nanomycel? इस nanomycel को हम किस रीजन के लिए यूज कर रहे हैं? तो आप हेडिंग से आइडिया ले सकते हो कि we are using this nanomycel or nanoparticle for the treatment of cancer. अब ऐसी कौन सी क्वालिटी है इस nanomycel में जिसकी वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है इस नैनोमाइसेल में जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए? यस रमनदीप कौर, यू आर राइट। तो कौन सी क्वालिटी की वजह से यूज कर रहे हैं? तो गाइस इसमें ड्यूअल प्रॉपर्टी है। कौन सी ड्यूअल प्रॉपर्टी है? तो वो ड्यूअल प्रॉपर्टी है उसकी, ये इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है, और इनर इंटीरियर हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर को रिपेल करता है। इस ड्यूअल क्वालिटी की वजह से इट एक्ट्स एज अ इफिशियंट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका नैनो माइसेल के बारे में। मैंने आपको नैनो शेल्स, नैनो वेसिकल और नैनो माइसेल के बारे में बताया था बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देन हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कैंसर थेरेपी में इंपॉर्टेंट है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। हाँ, अब मुझे बताइए ये जो नैनो माइसेल है इसकी कुछ क्वालिटीज बताओ कि एक तो ये इसमें ड्यूअल प्रॉपर्टी है, ये आपको बताया कि इसमें ड्यूअल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये रूम टेम्परेचर को स्टेबल रहता है, इट इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है गाइज कि ये जो आपका नैनो माइसेल है वो आपके ये लेस टॉक्सिक है। नैनोमाइसिल इज लेस टॉक्सिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नैनोमाइसिल क्या करता है, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स जो है ना उनको एक्टिवेट करता है, तो उससे ट्यूमर सप्रेस हो जाता है। कॉस्ट इफिशियंट है, वेरी गुड, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट हैज ड्यूअल प्रॉपर्टी, वेरी गुड वेरी गुड। नैनोमाइसिल, तो आपको नैनोमाइसिल एकदम परफेक्टली याद रह गया है, परफेक्टली समझ में आ गया। मुझे बताइए ट्यूमर के पास ब्लड वेसल्स लीकी क्यों हो जाती है? जो कैंसर का ट्यूमर होता है उस ट्यूमर के पास ब्लड वेसल्स लीकी क्यों हो जाती है? ब्लड वेसल गाइज वहां पे लीकी हो जाती है क्योंकि क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैंसरस जो ग्रोथ है या ट्यूमर सेल्स है ना उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वहां पे वो लीकी हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नैनोमाइसेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ कोरोना वायरस इंटरैक्ट्स विथ द ह्यूमन सेल प्रोटीन। आपको बताए, ये ऑलरेडी पता है, मुझे बताइए मेनली कौन से सेल्स को कोरोना वायरस अफेक्ट करता है? मेनली ऐसी कौन सी हमारे बॉडी में सेल्स है जिनको SARS-CoV-2 नाम का ये वायरस इन्फेक्ट करता है? कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए उन सेल्स के ऊपर जिसकी वजह से SARS-CoV-2 वायरस को उन सेल्स को इन्फेक्ट करना इजी हो जाता है? ACE2 रिसेप्टर, वेरी गुड खुशबू कुमारी, ACE2 रिसेप्टर्स जरूरी है, इसलिए वो क्या करता है उस सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो देखिए साइंटिस्ट्स हैव चार्टेड द फर्स्ट एटलस शोइंग हाउ द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ नॉवेल कोरोना वायरस?
और व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सार्स सीओवी टू वायरस, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है सार्स सीओवी टू का? यस गाइस, तो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सार्स सीओवी टू वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सार्स सीओवी टू वायरस। और इस सार्स सीओवी टू वायरस से हमें कौन सा डिसीज होता है? कोविड 19 नाम का हमें डिसीज होता है। और कोविड 19 में मेनली डेथ किसकी वजह से होती है? कोविड 19 में मेनली डेथ होती है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन स्टॉर्म। एंड व्हाट इज साइटोकाइनिन स्टॉर्म? साइटोकाइनिन स्टॉर्म इज नथिंग बट द ओवर इन्फ्लेमेशन और ओवर रिएक्शन ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। हमारी खुद की इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिवेट हो जाती है और हमारे लंग सेल्स को खुद डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म। यहां तक क्लियर? तो साइंटिस्ट हैव चार्टेड द फर्स्ट एटलस शोइंग हाउ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ नॉवेल कोरोना वायरस इंटरैक्ट्स विद द प्रोटीन्स इन द ह्यूमन सेल व्हिच मे प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स अगेंस्ट कोविड 19। आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज सुनी, आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी रिमूव कर दी है फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19। सुना है आपने? मैं पूरी आपको ना ये कोविड 19 की स्टोरी बताता हूं। जब कोविड 19 स्टार्ट हुआ था, तब कहा जा रहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसके अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आया और एक मेडिसिन, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और उस मेडिसिन के बाद अभी नंबर है रेमडेसिविर का। इवन अब तो ये बात है कि हमारे जो एम्स के गुलाटी साहब है, डॉक्टर गुलाटी, उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं है। मतलब खुद डॉक्टर्स को ही पता नहीं है कि एग्जैक्टली विच मेडिसिन विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड 19। एम आई राइट? कोविड 19 के अगेंस्ट कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा मेडिसिन इफेक्टिव, ये खुद डॉक्टर्स को भी पता नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन यूज कर रहा है और वो मेडिसिन अगर इफेक्टिव लगा, पेशेंट रिकवर हो गया, तो बाद में वो मेडिसिन फेमस हो रहा है। जैसे ही वो मेडिसिन फेमस हुआ, उसके प्रॉब्लम हो रहे, उसका ब्लैक मार्केट क्रिएट हो रहा है। एम आई राइट? तो ये क्यों हो रहा है पता है आपको? उसका रीजन है, ये जो आपका सार्स सीओवी टू वायरस है ना, ये सार्स सीओवी टू वायरस एग्जैक्टली ह्यूमन सेल्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करता है, यही हमें डिटेल में इनडेप्थ पता नहीं है। और अगर हमें इंटरैक्शन पता नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, समझ गए? तो अभी अभी क्या किया है साइंटिस्ट ने, एक एटलस डेवलप किया है जो ये बताता है कि नॉवेल कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमारे सेल्स के जो प्रोटीन्स है उनके साथ वो कैसे इंटरैक्ट करता है, इसका ये एटलस उन्होंने डेवलप किया है। ओके, इसका ये एटलस उन्होंने डेवलप किया है, विच कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोविड 19। सुनिए, so according to the researchers, one of the most urgent task is to understand all the molecular interaction between the virus and the cells it infect. So ye SARS-CoV-2 virus aur uski interaction jo hoti hai cells ke sath, inki interaction jo molecular level pe ho rahi hai, wo interaction hame samajhna zaruri hai, compulsory hai, must hai. Okay, यस, डीआरडीओ की वो मेडिसिन आई है, वो भी हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले हम ये देख लेते हैं, मैं आपको न्यूज दिखाता हूं, प्लाज्मा थेरेपी रिमूव्ड फ्रॉम कोविड 19 ट्रीटमेंट। आईसीएमआर ड्रॉप्स प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम कोविड 19 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ओके, डिफरेंट ड्रग्स used against COVID-19। ये images में अगर हम देखें, फेविप्राविर यूज होती है, ठीक है, यहां पे नहीं, फेविप्राविर है, देन आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी स्टोरी में आई थी, फिर आपका रेमडेसिविर स्टोरी में आया था, डेक्सामेथासोन स्टोरी में आया था, तो देर आर मेनी ड्रग्स दैट वी आर यूजिंग। तो चलिए,
हम ये इंटरेक्शन समझना जरूरी है, तभी हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, दे एक्सप्लेन्ड दैट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इंटरेक्शंस विल हेल्प आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस इन होस्ट सेल्स विच फेवर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस एंड वंस विच एक्टिवेट द होस्ट इम्यून सिस्टम. एसिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल. यस, देखिए, व्हाइल द SARS-CoV-2 वायरस यूजेस होस्ट प्रोटीन्स टू रेप्लिकेट, याद रखिए हमारी जो सेल है, इस सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन यूज करके SARS-CoV-2 वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए. ओके, द साइंटिस्ट सेड अंटिल नाउ देयर हैज बीन नो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द प्रोटीन्स अकरिंग इन ह्यूमन सेल्स which interact with rival genetic material that is RNA. इसका जो RNA है उसके साथ, इसका जो RNA है उसके साथ देखिए हमारी ह्यूमन सेल्स के प्रोटीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी. साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट ग्लोबल एटलस ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन SARS-CoV-2 RNA एंड द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स. तो ये एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, देते हैं द फर्स्ट ग्लोबल एटलस ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन SARS-CoV-2 RNA एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स. ये सर्च कर लेते हैं, अगर हमें इमेज में अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो एटलस मिल गया तो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, इट विल बी बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग गाइज, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है और जरूरी भी नहीं है. इजीली अंडरस्टैंडेबल होता तो हम आपको बता देते. देख लीजिए यहाँ पे SARS-CoV-2, ये हमारी ह्यूमन सेल है, या ये देख लीजिए ये वाली इमेज, SARS-CoV-2 RNA, एंटीसेंस कैप्चर प्रोब्स, ये क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन, और इस तरह से SARS-CoV-2 का RNA बन गया. ओके, तो इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो इस तरह से इन्होंने ये एटलस डेवलप किया है जो हमें हेल्प करेगा टू डेवलप न्यू ट्रीटमेंट. साइंटिस्ट सेड द एटलस ऑफ आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन ऑफर्स यूनिक इनसाइट इनटू SARS-CoV-2 इन्फेक्शन एनेबलिंग द सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस एंड होस्ट डिफेंस स्ट्रेटजीज, अ क्रूशियल प्रीरिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेप्यूटिक्स. याद रखिए, जब SARS-CoV-2 वायरस ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है, व्हाई डज SARS-CoV-2 वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट क्यों करता है ये बताइए. सर, जो DRDO ने एंटीकोविड ड्रग निकाला है, इज इट बी इफेक्टिव 2DG? वी डोंट नो रमनदीप, देखते हैं ना कि वो इफेक्टिव होगा या नहीं, देखेंगे हम अभी. ठीक है, हम देखेंगे. बताइए SARS-CoV-2 सेल को इन्फेक्ट क्यों करता है. देखिए, SARS-CoV-2 जो है ना, ये वायरस है, और इस वायरस को अगर मल्टीप्लाई होना है, इस वायरस को, कोई भी वायरस, यही नहीं, इसको अगर मल्टीप्लाई होना है, इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, तो दिस वायरसेस डू नॉट हैव सेल मशीनरी टू मेक कॉपीज ऑफ देयर जेनेटिक मटीरियल. तो एनी वायरस इट इन्फेक्ट्स सेल्स because that virus needs cell machinery, means cell proteins, for the reproduction or for the multiplication of the genetic material. And that's why SARS-CoV-2 virus जो है, SARS-CoV-2 virus हमारे human cell को infect करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने SARS-CoV-2 virus का replication, उसके genetic material का replication हमने stop कर दिया, तो क्या ये infection spread होगा. जो SARS-CoV-2 वायरस हमारी ह्यूमन सेल में एंट्री कर रहा है और ह्यूमन सेल में एंट्री करके अपनी आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, ये प्रोसेस अगर हमने किसी केमिकल की हेल्प से, किसी मेडिसिन की हेल्प से स्टॉप कर दी, तो क्या SARS-CoV-2 हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, नहीं करेगा. तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली SARS-CoV-2 वायरस मल्टीप्लाइज इट्स आरएनए, या व्हाट एग्जैक्टली इट डज व्हाइल मल्टीप्लाइंग इट्स आरएनए. देख लीजिए, सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस. तो जो जो फैक्टर्स हमारी सेल में है, जो इस वायरस के रेप्लिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वायरस के रेप्लिकेशन को
इम्पैक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर अगर हमने ब्रेक कर दिए, अगर हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, तो आरएनए की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी. एंड इफ देर आर नो मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरएनए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरएनए नहीं बनेगी, तो नेचुरल है कि वो जो वायरस है वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर पाएगा. या फिर हमारी जो सेल है, हमारी सेल किस तरह की डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है व्हेन दिस SARS-CoV-2 वायरस एंटर्स इनटू द सेल. हमें अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म पता चल गई तो उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम और स्ट्रांग बना सकते हैं एंड वी कैन स्टॉप द एंट्री ऑफ दिस आरएनए वायरस इनटू अवर सेल. तो ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे SARS-CoV-2 वायरस का इन्फेक्शन स्टॉप कर सकते हैं. और यही अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने ये एटलस डेवलप किया है, टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन द कोरोना वायरस एंड द ह्यूमन सेल प्रोटीन्स. फ्रॉम द रिजल्ट्स द साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड 18 होस्ट प्रोटीन्स. अब हमें पता चल गए 18 होस्ट प्रोटीन्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग SARS-CoV-2 इन्फेक्शन एंड फाउंड 20 स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट मे इनहिबिट दीज प्रोटीन्स. वॉट अ ब्यूटिफुल फाइंडिंग वी हैव. हमें 18 प्रोटीन्स पता चल गए हैं जो SARS-CoV-2 वायरस को हेल्प करते हैं, SARS-CoV-2 वायरस को हेल्प करते हैं सेल में. अब हमने क्या किया है, ये जो 18 प्रोटीन्स है, इन 18 प्रोटीन्स को SARS-CoV-2 वायरस को हेल्प करने से रोकने के लिए 20 मॉलिक्यूल भी हमें पता चल गए हैं. अब हमें क्या करना है, ये स्टडी करना है कि ये 20 मॉलिक्यूल में से हर एक मॉलिक्यूल हाउ एग्जैक्टली इट अफेक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द SARS-CoV-2 वायरस एंड द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन सेल. इनमें से जो सबसे इफेक्टिवली इनकी इंटरेक्शन स्टॉप करता है विदाउट लीस्ट साइड इफेक्ट, उस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि यस दिस मॉलिक्यूल कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन अगेंस्ट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन. तो मुझे बताइए साइंटिस्ट कितने एफर्ट ले रहे हैं. अब ये न्यूज सुनकर आपके मन में होप क्रिएट हो गई कि नहीं, यस वी कैन स्टॉप दिस SARS-CoV-2 इन्फेक्शन. आपके मन में होप क्रिएट हो गई कि नहीं कि SARS-CoV-2 अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा. बिल्कुल खत्म होगा गाइज, आपको बस वेट करना है अप टू नवंबर 2021. दिवाली तक वेट करो, इस दिवाली के बाद आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे, नॉर्मल लाइफ हमारी स्टार्ट होगी आफ्टर दिस दिवाली. ओके क्लियर. सो दे बिलीव द टू प्रोटीन CNBP, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, एंड LARP1 आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, नो नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स. द रिसर्चर्स ऑल्सो आइडेंटिफाइड टारगेट साइट्स इन दीज प्रोटीन्स दैट कुड बी यूज टू इनहिबिट इट्स रेप्लीकेशन. तो इन प्रोटीन्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कर सकते हैं उस SARS-CoV-2 वायरस का रेप्लीकेशन स्टॉप कर सकते हैं, उसका रेप्लीकेशन इनहिबिट कर सकते हैं. क्लियर, चलिए आगे. सो अंडरस्टैंडिंग द न्यू COVID-19 वेरिएंट. ये COVID-19 वेरिएंट हमें कहां मिला है, UK में मिला है. कहां पे मिला है, यूनाइटेड किंगडम में. आप क्या इंडियन वेरिएंट का नाम बता सकते हो, न्यू COVID-19 वेरिएंट ऑफ इंडिया, न्यू COVID-19 वेरिएंट ऑफ इंडिया, जापान से लेके रशिया, अमेरिका, मेड इन इंडिया, नाम सारा इंडिया. उसका नाम है आई थिंक, बताइए जरा नाम बताइए उसका, बी ये रहा. यूके डिफेंड्स डिले इन एडिंग इंडिया टू रेड लिस्ट ट्रैवल बैन एज COVID-19 B1.617.2 वेरिएंट स्प्रेड्स रैपिडली. ये इंडिया वाला वेरिएंट है, लेकिन नहीं नहीं ये इंडिया वाला लेटेस्ट वेरिएंट है. न्यूज कब की है, 16 May 2021, मतलब 3 दिन पहले. और इससे पहले हमें यूके में भी एक वेरिएंट मिला था जो बहुत प्रॉब्लमेटिक था, है ना, वो प्रॉब्लमेटिक था. तो देखिए, आर वायरस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रॉम एंड विल वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ म्यूटेटिंग SARS-CoV-2E. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आपने कल न्यूज सुनी, वो कुछ अग्रवाल नाम के डॉक्टर साहब थे, AK अग्रवाल और समथिंग KK अग्रवाल, वो भी देख लेते हैं. क्या नाम था उनका, देखिए,
एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल डाइज ऑफ कोविड 19. एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल डाइज ऑफ कोविड 19. इन्होंने दोनों डोज लिए थे वैक्सीन के, दोनों डोज लिए थे और ये खुद डॉक्टर थे, फिर भी इनकी डेथ हो गई. ये क्या प्रूव करता है बच्चों, आपको पता है? व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू डील विद द कोविड 19? What is the best strategy to deal with the COVID-19? SARS-CoV-2 से अगर आपको बचना है तो best strategy is to prevent infection. अपने आप को infection ना होने दे. That is the best way right now. That is the best strategy right now. Ensure survival. Okay? So, a year after the novel coronavirus announced itself in China, December 2019 में China में novel coronavirus आया था. There was yet another critical update in December this year. The emergence of a new strain of virus caused by mutation that seemed to be 70% more transmissible. Mutations were reported from different parts of the world, including Denmark, Australia, England, and South Africa. But the rapid domination of new strain lineage B1.1.7. So this B1.1.7, ये हमें मिला है साउथ इंग्लैंड में. Set off a chain of events including curbs on travel and Christmas celebrations in the country and several nations temporarily suspending flights originating from UK. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इस स्टोरी से बस इतना जानना है कि हाउ कोविड 19 और SARS-CoV-2 वायरस म्यूटेट कैसे करता है और उसके अलग अलग. That's very good, Mani Bakshi. How's your health? और कौन सी लगवाई है आपने, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? ओके, चलिए आगे. स्पीकिंग अबाउट द न्यू इंग्लिश वेरिएंट, WHO चीफ ने क्या कहा है? अ बेसिक फैक्ट ऑफ वायरोलॉजी, वायरसेस म्यूटेट ओवर टाइम एंड इट इज नेचुरल एंड इज टू बी एक्सपेक्टेड. सबसे ज्यादा म्यूटेशन वायरसेस में होते हैं क्योंकि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. जब आप आरएनए और डीएनए में कंपेयर करते हो ना बच्चों, आप आरएनए और डीएनए में कंपेयर करते हो तो डीएनए इज स्टेबल एंड आरएनए इज अनस्टेबल. हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जब आप आरएनए और डीएनए में कंपेयर करते हो तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से ज्यादा स्टेबल डीएनए है. तो जेनेटिक मटेरियल SARS-CoV-2 का आरएनए ही है, तो नेचुरली कि आरएनए में क्या होगी, म्यूटेशंस होंगे, आरएनए में क्या होगी, चेंजेस होंगे. और अभी आपको मोर देन 20 वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 मिलेंगे. यूके के वेरिएंट का नाम है B1.1.7, दैट इज द नेम ऑफ यूके वेरिएंट. ये न्यूज December 2020 की है. ओके, ट्राइंग टू काउंटर मेनली ill-informed डिस्कशंस triggered by panic from the usage of the word mutation, he said the UK had reported that the transmission was higher, but there was no evidence that it causes more severe disease. देखिए, म्यूटेशन की वजह से उस वायरस का ट्रांसमिशन रेट बढ़ रहा है, या फिर म्यूटेशन की वजह से उस वायरस की डेडलीनेस बढ़ सकती है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है. नहीं फरहान, नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं. डेडली बन सकता है वो ज्यादा, या उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है. ओके, इट इज वेरी नेचुरल. अब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट कर रहा हूं जो आपको याद रखना है कि देखिए, आपके वायरसेस का म्यूटेशन इन वायरसेस इज वेरी कॉमन. वायरसेस में म्यूटेशन क्या है, बहुत कॉमन होते हैं, तो उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये जानना है जो भी नया म्यूटेशन आया, whether it is deadly or not. Why do viruses mutate? देखिए, म्यूटेशन इज पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ वायरस. फर्स्ट पॉइंट, इट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल. देन वंस द वायरस लैचेस ऑन टू अ होस्ट, जैसे हमारे केस में SARS-CoV-2 वायरस जैसे ही ह्यूमन सेल्स के ऊपर अटैच हो जाता है, इट बिगिंस टू रेप्लीकेट. ये क्या करता है, अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं रेप्लीकेशन. एंड मेक कॉपीज ऑफ इट सेल्फ, अपनी खुद की वो कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है. ठीक है, अब इस प्रोसेस में अगर कोई छोटा भी एरर आ जाए, तो वो हो जाता है म्यूटेशन.
अब वो डिपेंड करता है कि वो एरर किस टाइप का है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन रैंडम एरर्स अराइज, वन और टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चेंज, पॉसिबली इंड्यूस्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स माउंटेड विद इन इन्फेक्टेड पीपल. हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से उस वायरस के रेप्लिकेशन में कुछ एरर्स आ जाते हैं और उन एरर की वजह से उसमें म्यूटेशन आ जाता है. दीज चेंजेस इन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस कैन बी कंसिडर्ड म्यूटेशन. नॉट ऑल म्यूटेशंस आर सिग्निफिकेंट बट दोज दैट अफेक्ट द वायरस एबिलिटी टू सर्वाइव और रेप्लिकेट आर इम्पॉर्टेंट. तो देखिए सिंपल सी स्टोरी है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. SARS-CoV-2 वायरस ये मुझे YouTube पे पढ़ाने में बस इसी रीजन से मजा आता है. देख लीजिए इस इमेज के थ्रू मैं आपको एकदम प्यारे तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं. बहुत प्यारी इमेज है म्यूटेशंस कैसे होते हैं और वो पर्टिकुलरली SARS-CoV-2 में किस तरह से हो रहे हैं. ठीक है, ये आपको इसमें से बता देता हूं मैं. बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये. मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? आपको SARS-CoV-2 की इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी जितनी मैं दे रहा हूं. एक ऐसी कंडीशन है कि इवन डॉक्टर्स को भी ये चीजें नहीं पता. यूपीएससी एस्पिरेंट को जो पता होता है ना वो डॉक्टर्स को भी बहुत बार पता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व ओनली विद द ट्रीटमेंट एंड वी आर इन्वॉल्व विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल प्रोसेस. सुनो, ये है आपका SARS-CoV-2 बाइंडिंग टू ACE2 रिसेप्टर एंड वायरल एंट्री. ये है आपका ACE2 रिसेप्टर, ये है SARS-CoV-2 वायरस. ये SARS-CoV-2 वायरस बाइंड हो गया ACE2 रिसेप्टर के साथ, हो गया बाइंडिंग हो गई इसकी. जैसे ही इसकी बाइंडिंग हो गई इसको एंट्री मिल गई हमारी सेल में. ये हमारी सेल में एंट्री होते ही ये क्या करता है, अपना जीनोम रिलीज करता है. और आपको पता है व्हाट इज द जीनोम ऑफ दिस वायरस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसने रिलीज कर दिया. ये रिलीज करने के बाद ट्रांसलेशन होता है, मतलब इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है ना आरएनए के ऊपर प्रोटीन्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट की जाती है और उससे बन जाते हैं प्रोटीन्स. क्या बन गए? प्रोटीन. इसे कहते हैं प्रोटियोलाइसिस. प्रोटीन बने गए. प्रोटीन बनने के बाद फिर ये आरएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. अब ये जो स्टेज है ना आरएनए रेप्लिकेशन की, या फिर ये जो स्टेज है ना प्रोटीन बनने की, इस स्टेज में अगर एरर्स आ गए, और ये एरर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, इस वायरस पे अटैक करती है. हमारी इम्यून सिस्टम के साथ फाइट करते करते इसमें आ जाते हैं एरर्स. इसमें क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं. और उस एरर की वजह से ये जो आपका आरएनए बन गया ना, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं. और ये चेंजेस हो गए मतलब म्यूटेशन हो गया. अब ये म्यूटेशन होने के बाद इस आरएनए जीनोम को उस पूरा वायरस की असेंबली हो जाती है और इस तरह से वायरस बन गया और वायरस रिलीज हो गया. लेकिन अब ये जो वायरस रिलीज हुआ है ना, इसमें म्यूटेशन है. ये वायरस और ये जो वायरस जिसने एंट्री की थी और जो रिलीज हो गया, दोनों अलग अलग है. तो ये म्यूटेशन कब हुए? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. क्यों हुए? बिकॉज हमारी इम्यून सिस्टम ने अटैक किया. हमारे इम्यून सिस्टम के अटैक की वजह से हुए, या फिर नॉर्मल प्रोसेस में भी एरर्स आ सकते हैं. समझ में आ गया सभी को किस तरीके से SARS-CoV-2 वायरस के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं, जेनेटिक मटेरियल में एरर्स आते हैं, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस आते हैं. सबको समझ में आ गया? मैं चलू आगे. तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको क्या कर दी, इस इमेज में क्या कर दी, आपको एक्सप्लेन कर दी. इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन. तो वही म्यूटेशन यूके के वेरिएंट में भी आया है और वही म्यूटेशन हमारे इंडिया वाले वेरिएंट में भी आया है. ओके, द इंग्लिश वेरिएंट वाज आइडेंटिफाइड इन जीनोमिक सर्विलेंस बाय COVID-19 जीनोमिक्स कॉग यूके, अ कंसोर्टियम दैट एनालाइसिस जीनोम सिक्वेंसिंग डाटा फ्रॉम द यूके. अब देखिए मैं आपको लेकर जाता हूं कॉग यूके की वेबसाइट पे. हम कितने पीछे हैं ये हमें इससे पता चलता है. कॉग यूके नहीं, म्यूटेशंस, हाँ नए स्ट्रेन डेवलप हुए, राइट. देखिए COVID-19 जीनोमिक्स यूके कंसोर्टियम, कॉग यूके. इसमें देखिए SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स पूरे इन्होंने यहां दिए हैं, SARS-CoV-2 वेरिएंट्स. ओके,
ओके, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. इज देयर एनी सच कंसोर्टियम इन इंडिया जो इंडिया में अलग अलग कोविड के वायरसेस के मतलब सीक्वेंस हमें बताए? नहीं मनी, बिकॉज दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड. कोविड का वैक्सीन मतलब आपको ये वायरस ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया है लेकिन वीक, इसके अगेंस्ट अभी एंटीबॉडीज डेवलप होगी. कितने वायरसेस इन्होंने अभी तक सीक्वेंस किए हैं? 477,993 वायरसेस का सीक्वेंस किया है इन्होंने, इस कॉग यूके ने. ओके, तो इसके थ्रू इन्हें ये नए वेरिएंट के बारे में पता चला. कौन सा है नया वेरिएंट? तो अ कंसोर्टियम दैट एनालाइजेस जीनोम सीक्वेंसिंग डाटा फ्रॉम द यूके ऑन इट्स वेबसाइट कॉग यूके सेज म्यूटेशंस अराइज नेचुरली. वेबसाइट पे ये क्या कहते हैं कि म्यूटेशंस नेचुरली अराइज करते हैं इन द SARS-CoV-2 जीनोम एज द वायरस रेप्लिकेट्स एंड सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग प्रोसेस many thousands of mutations have already arisen in the SARS-CoV-2 genome since the virus emerged in 2019. में आने के बाद इसमें लाखों हजारों एटलीस्ट हजारों म्यूटेशन हो गए, तो डरिए मत. और हजारों म्यूटेशन होने भी वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट. वैक्सीन इज नॉट द आंसर अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस. आंसर है मेडिसिन, और वो मेडिसिन अभी तक हमने नहीं बनाया. एक पहला मेडिसिन डेडिकेटेड टू SARS-CoV-2 वायरस वो हमारे DRDO ने बनाया है. ओके, क्या नाम है उस मेडिसिन का? द नेम ऑफ द मेडिसिन डेवलप बाय द DRDO, क्या नाम है उस मेडिसिन का बताइए जरा जल्दी से. 2DG ना, 2DG नाम है उसका. तो चलिए आगे, तो ये यूरोपियन कंट्रीज इतने आगे, हम बहुत पीछे हैं. ठीक है, आपको एक काम करना है, होमवर्क. जैसे ये क्लास खत्म होगा ना बच्चों, आपको ये वीडियो देखना है. ठीक है, प्लीज वॉच दिस वीडियो. कौन सा वाला वीडियो कहाँ गया यार, कहाँ गया? हाँ ये वाला, ये कॉग यूके ओपन करना है आपको. उसके बाद कॉग यूके इसके ओपन करके SARS-CoV-2 वेरिएंट पे क्लिक करना है और फिर ये वीडियो आपको प्ले करना है. ये वीडियो आपको जरूर जरूर देखना है. ठीक है, चलिए आगे. सो ये इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया यूके के वेरिएंट को. सो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ म्यूटेशंस ऑब्जर्व्ड इन SARS-CoV-2 हैव नो अपेरेंट इफेक्ट ऑन द वायरस एंड ओनली अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी आर लाइकली टू बी इंपॉर्टेंट एंड चेंज द वायरस इन एनी अप्रिशिएबल वे. हजारों म्यूटेशन हो गए हैं SARS-CoV-2 वायरस में, लेकिन वो हजारों म्यूटेशन उस वायरस पे इमीडिएट ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं. मतलब उन म्यूटेशंस का उस वायरस के सर्वाइवेबिलिटी पे, उस वायरस के ट्रांसमिशन रेट पे या उस वायरस के सीवियरिटी पे उनका कोई भी इंपैक्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द एबिलिटी टू इन्फेक्ट पीपल कॉज डिसीज ऑफ डिफरेंट सीवियरिटी और बिकम इनसेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय अ वैक्सीन. इस तरह के म्यूटेशन अभी तक वायरस में नहीं आए हैं, विच इज अ गुड न्यूज, विच इज अ गुड थिंग. म्यूटेशन आए हैं लेकिन इस तरह के म्यूटेशन नहीं आए कि जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा सीवियर डिसीज कॉज करेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स को वो इनसेंसिटिव हो जाएगा या जिसकी वजह से वैक्सीन के अगेंस्ट वो इनसेंसिटिव हो जाएगा. इवन हमारी सारी वैक्सीन जो भी हमने बनाई है ना, वो हर एक वायरस के अगेंस्ट क्या है? इफेक्टिव है. हर एक वायरस के अगेंस्ट क्या है? वो इफेक्टिव है. क्लियर यहां तक सभी को? एनी डाउट? नो डाउट. हम जा रहे हैं आगे. आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ रही है SARS-CoV-2 की. द वेरिएंट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री इनटू द होस्ट ऑफ SARS-CoV-2 एज वेल एज म्यूटेशंस इन अदर जीनोमिक रीजन्स ऑफ द RNA वायरस. कॉग यूके रिपोर्टेडली आइडेंटिफाइड वन ऑफ दीज म्यूटेशंस एज N501I, नो नीड टू रिमेंबर, in an area of the spike protein that binds to a key protein in the human cell, the ACE2 receptor. This was an indication that the alterations may theoretically result in the virus becoming more infectious itself. Fine, clear? ये infection इस तरह से उन्होंने identify किया. तो देखिए,
अब तक मैंने आपको क्या बताया कि हाउ एग्जैक्टली सार्स सीओवी टू, अगर हमें सार्स सीओवी टू वायरस को डिस्ट्रॉय करना है, मेडिसिन डेवलप करना है, तो हमें क्या जानना जरूरी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या मस्ट है हमें जानना कि हाउ एग्जैक्टली दिस सार्स सीओवी टू वायरस इंटरैक्ट्स विथ द ह्यूमन सेल. क्या हमने इसके बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन जान ली है, इंटरेक्शन ऑफ द सार्स सीओवी टू वायरस विथ ह्यूमन सेल? यस, हमें ऐसे 18 प्रोटीन पता चल गए हैं जो हेल्प करते सार्स सीओवी टू को रेप्लिकेशन में इन ह्यूमन सेल, और हमें ऐसे 20 मॉलिक्यूल पता चल गए हैं जो मॉलिक्यूल इन प्रोटीन का इंटरेक्शन स्टॉप करते विथ सार्स सीओवी टू वायरस. सो दीज टू आर द रेज ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी. These are the rays of hope for humanity, जिसकी वजह से हमें क्या कर पता चल सकता है, हम medicine find out कर सकते हैं against the molecular molecule study करना नहीं है रमनदीप, उनको study नहीं करना है, ठीक है. तो और फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से ये mutations होते हैं इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इन ह्यूमन सेल. जब सार्स सीओवी टू वायरस ह्यूमन सेल में एंट्री करता है और अपने आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है, उस प्रोसेस में कुछ एरर्स आते हैं और उसका आरएनए चेंज होता है. इसी चेंज इन द आरएनए को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे, म्यूटेशन कहते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी, कंसेप्ट था ये. इसमें से आपको कोई भी फैक्ट याद नहीं रखनी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको कोई भी फैक्ट याद नहीं रखनी थी. अगर आपको ये क्लियर है तो आई शुड गो अहेड. अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा. गाइस जाऊं आगे, शुड आई गो अहेड, एक बार जल्दी से बताइए. यस, ओके. अब देखिए, इनक्वाइस लॉन्चेस डिजिटल ओशियन. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस इनक्वाइस इज. ये इनक्वाइस एग्जैक्टली क्या है, देख लीजिए. दिस इज इनक्वाइस, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सेंटर, इनक्वाइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन स्टडीज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेस. इन्होंने क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है डिजिटल ओशियन. क्या नाम दिया है, डिजिटल ओशियन. देखिए ESSO, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पहला पॉइंट याद रखना है आपको, इनक्वाइस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. इनक्वाइस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, किसके अंडर आती है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ओके, अब पहले हम देख लेते ये ESSO क्या है. ESSO का लॉन्ग फॉर्म अगर हमें मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मैं आपको बाद में बता दूंगा. तो इन्होंने डिजिटल ओशियन नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है. गुड मॉर्निंग शिव शक्ति. इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डिजिटल ओशियन नाम का इनिशिएटिव. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन डाटा इंफॉर्मेशन है, ओशियन ऑब्जर्वेशन की भी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं. तो हम देखते हैं डिजिटल ओशियन, डिजिटल ओशियन इनक्वाइस. ये देखिए डिजिटल ओशियन नाम की ये वेबसाइट जो ESSO इनक्वाइस ने डेवलप की है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर. गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, देन यस, यहां पे सब जगह वो बता रहे कि खुद को वैक्सीनेट कर लो. तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं, या ये कल करें, कल कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है गाइस, ठीक है. इनक्वाइस एंड लॉन्चेस डिजिटल ओशियन, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. अब ये क्लास छोड़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है. सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये कोड याद रखना है, वायरल कोड ऑफ सक्सेस, SKUS. ये क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेलेबल करके देता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे. दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया इसकी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होने वाली है. देन गाइज, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है,
आपको मुझे अनएकेडमी पे हेड्स डेडिकेट करनी है और आपको मुझे अनएकेडमी पे आकर हाय कहना है, हाय का मैसेज भेज दो बस। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई भी डाउट है, पर्सनल डाउट स्टडी रिलेटेड, तो मैं आपके वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। इसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है 2 PM को, ये क्लास होगा अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे। इस क्लास में मैं ये 2 PM का क्लास होगा YouTube पे। इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। क्या पढ़ाने वाला हूँ? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ CDAC के थ्रू, CDAC की वेबसाइट के थ्रू मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है? सो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर द लॉन्ग फॉर्म श्वेता सिंह, थैंक यू वेरी मच। ESSO का मतलब होता है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्लास गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू एट 2 PM ऑन YouTube। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।